ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आई थिंक मैं ब्रेक से पहले आपको बोल के गया था कि एक मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी उनके जुड़ने में थोड़ा सा वक्त है। हेरिटेज फूड की मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगी, ब्रह्मणी नारा हमारे साथ जुड़ेंगे बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में एक ऑप्शन ट्रेड और आ रहा है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ आज। ये आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ सिलेबस है, वो जो था वो आज का मैं दे चुका हूँ, लेकिन मन्नापुरम फाइनेंस डायरेक्टर साहब प्लीज़ लेके आइएगा। मन्नापुरम फाइनेंस की एक स्ट्राइक पे बात कर लेते हैं अभी एग्जैक्टली। अगर आप देखें मन्नापुरम फाइनेंस, मैं डेरिवेटिव कोर्स निकाल रहा हूँ इसकी, आज इसके ओआई में करीब 5,34,000 शेयर जुड़े हैं, 3.5% ओआई बिल्डअप हुआ है। स्पॉट में ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब 132.90 पे, 135 की कॉल 6.80 रुपये पे है। मानव आई थिंक इसका बिहेवियर अच्छा है, क्यों बताता हूँ मैं आपको। 140 की कॉल में 1,68,000 शेयर जुड़े हैं इसमें, और अच्छी बात यह भी है कि अगर आप नीचे पुट्स को देखें तो 130 की पुट में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग शुरू हो गई है इसकी। प्लीज़ 135 की कॉल 6.80 रुपये पे, जो अभी मैंने जो NSE पे देखा है 6.80 रुपये पे ट्रेड कर रही है। कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? और मानव मन्नापुरम फाइनेंस जो कि अब जाके एग्जैक्टली हिट करेगा अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, कैसे अप्रोच करना चाहिए? जी अगर आपने देखा हो तो मैंने शो के स्टार्ट में मन्नापुरम फाइनेंस मेरे टॉपिक्स में रहा है। इनफैक्ट जैसे आप बता रहे थे इसमें जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी दिख रहा है, डेफिनेटली उसका उस तरीके से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बट इम्पोर्टेंटली वीरेंद्र जी, मैं ये बात फर्दर हाईलाइट करूंगा कि अगर हम बात करें तो लास्ट करीब 25 ट्रेडिंग सेशंस के बाद स्टॉक के कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दे रहा है। एंड इसका जो रेंज था करीब 25 पॉइंट्स का था। तो यूजली अगर ये ब्रेकआउट अगर हम देखते हैं तो वहाँ से 25 पॉइंट अगर ऐड करो तो कहीं ना कहीं 145 के आसपास का हम टारगेट एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो मैंने मेंशन किया है। सो आप 135 का अगर कॉल लेना भी चाहे 6 रुपये के आसपास, तो उसमें 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। मेरा इसका अपसाइड टारगेट रहेगा 15 रुपये का, जो करंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी काफ़ी फेवरेबल है। ओके, मन्नापुरम फाइनेंस इस वक्त डे हाई पर 133.80 पर। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी 9914 पे और निफ्टी बैंक 2186 पे, यानी वो जो डिफरेंशियल था ना बैंक निफ्टी, अब उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। खैर अब चलते हैं आज की हमारी मैनेजमेंट के पास। आज हम वर्ल्ड मिल्क डे CNBC आवाज़ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेरिटेज फूड की ईरी ब्रह्मणी नारा मौजूद हैं बात करने के लिए। और उनसे बात करते हैं कि एग्जैक्टली स्पेशली अगर आप देखें COVID-19 के बाद हाइजीन फैक्टर को लेकर इस पूरे देश ने अगर आप देखें एक बड़ा बदलाव देखा है। ब्रह्मणी जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो इस दिन की शुभकामनाएं आपको, और दूध इस देश के लिए कुछ और ही मायने हैं। आज विश्व में सबसे बड़े अगर आप देखें उत्पादक हैं हम दूध के। ये बताइए कि बीते पिछले 1-2 साल में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है और कितना बदलाव आने की उम्मीद है, और स्पेशली अब जो एक कंज्यूमर है वो ब्रांड्स पे कितना फोकस करेगा स्पेशली COVID-19 के बाद? इस सबको पहले विश्व दुग्ध दिवस की शुभकामनाएं। इस दिवस को हमारी कंपनी की तरफ से मैं किसानों को और हमारे सभी एम्प्लॉयज को, सिर्फ हमारी कंपनी ही नहीं सभी दूध कंपनियों के एम्प्लॉयज को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम मुश्किल सिचुएशन में है, कोविड के सिचुएशन में, और किसानों के वेलफेयर के लिए दूध बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सभी कंपनियों के एम्प्लॉयज किसानों के मिल्क को प्रोक्योर करके उसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत हार्डवर्क किए। और हमारी कंपनी का मिशन है कि डिलाइटिंग एवरी With fresh and healthy products and empowering the farmer, उस commitment को सभी लोग आधार किए। अब जैसे आपने पूछे COVID के situation में consumer के behaviors बहुत change होते रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी immunity पर बहुत focus दे रहे हैं, और उसके लिए दूध सभी पदार्थों में सबसे wholesome source of nutrition है और immunity के लिए भी बहुत अच्छा है। आज के दिन हम देख रहे हैं कि ज्यादा लोग दूध हल्दी दूध ले रहे हैं, और वही नहीं उसी मार्ग में हम कंपनी की तरफ से A2 का लॉन्च भी किया, आज वर्ल्ड मिल्क डे के दिन किया है, क्योंकि ये जो मिल्क है इम्यूनिटी बिल्ड करने में
बहुत इम्पॉर्टेंट है और डाइजेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जैसे मैंने बताया कंज्यूमर के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और वे पौष्टिक इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं. ओके रमणी जी, एक चीज़ बताइए कि अब मैं हेरिटेज फूड की ग्रोथ की बात करूं तो एग्जैक्टली अगले एक साल में आप डाउन द लाइन 1 ईयर क्या ग्रोथ देख रही है टॉप लाइन में, स्पेशली जो आपका फ्रेंचाइजी मॉडल है और जो आपका नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसमें कितना एक्सपेंशन देखती हैं आप अगले एक साल में? करंटली हम देखें तो कंपनी लगभग 6,000 एजेंट्स के द्वारा मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और मिल्क ही नहीं मिल्क प्रोडक्ट्स को भी. और वही नहीं, कंपनी के फ्रेंचाइजी पार्लर्स 999 पार्लर्स है, और इनके द्वारा ही नहीं अब कोविड के सिचुएशन के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज रिटेल और मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट्स जो है उनके द्वारा और ई कॉमर्स के द्वारा भी हमारे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग हाइजीनिक चैनल्स को देख रहे हैं और कॉन्टेक्टलेस चैनल्स को देख रहे हैं. चलिए भावना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई. समय की थोड़ी सी कमी थी, अदरवाइज आपसे कुछ प्रश्न पे और कुछ मुद्दों पे बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. और एक बार फिर से आपको इस दिन की शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस क्वार्टर एंड एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया मानव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल हुए आप. और निफ्टी अभी भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी बैंक करीब करीब 2157 पे डे हाई पर रहा. एक छोटा सा ब्रेक के बाद आशीष वर्मा होंगे आपके साथ हेल्पलाइन लेकर. नमस्कार.